सनोज मिश्रा, फिल्म श्रीनगर का डायरेक्टर हूँ मैं, और मैं अपनी टीम से आपका परिचय कराना चाहूँगा सबका। विजय सैनी जी हैं, ये हमारी फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं। दियांशी हैं, इस फिल्म में बहुत पावरफुल अभिनेत्री हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले किया है। और श्रावणी सहाय जी हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म को पूरा किया है। क्योंकि नायिका प्रधान फिल्म है तो आप हीरो भी हैं कह सकते हैं और हीरोइन भी हैं। और हमारे बाएं तरफ हैं सुरजीत सिंह जी, जो कि हमारी इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और साथ साथ करणी सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं आप। और दीपक पंडित जी हैं मेरे साथ सबसे बाएं तरफ, वो इस फिल्म के निर्माता हैं जिन्होंने हिम्मत जुटाई इस फिल्म को बनाने के लिए, और इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। पिछले 3 सालों से हम लोगों ने मेहनत करके इस फिल्म को आज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सर, श्रीनगर जो मूवी है उसकी स्टोरी क्या है? फिल्म श्रीनगर, चूँकि नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि कश्मीरी इशू और सारी चीज़ें वही होंगी जो 90s में हुई थी, तो ये सच है। और 3 साल पहले मैंने भी इस फिल्म को सोचकर यही शुरू की थी कि इस पर, इस विषय पर किसी ने भी गहराई तक जाकर के लोगों को बताने या उस पर सिनेमा बनाने की कोशिश नहीं की। मैं वहाँ पर 1 साल रहा करीब, मैंने स्टडी किया, सब चीज़ों को समझा, और उसके बाद इस फिल्म को हम लोगों ने शुरू किया। इस फिल्म की कहानी 90s से शुरू होकर आज तक आती है, मतलब 90s में जो हुआ वहाँ पर, जो नरसंहार हुआ वहाँ पर, जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ वहाँ से लेकर के आज तक का जो राजनीतिक माहौल रहा, जो सामाजिक माहौल रहा, और वहाँ से जो निष्कासित किए हुए लोग आज किन परिस्थितियों में हैं, ये कहानी हमारी श्रीनगर से शुरू होकर के और आज के परिवेश तक आती है। और ये बताती है कि धर्म से बड़ा, जाति से बड़ा इंसानियत है, और मेरे ख्याल से अगर हम इंसान बनकर पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हमें इंसानियत सीखना चाहिए। अच्छा, तो सर ये जो मूवी कहाँ पे शूट है, उसका लोकेशन? हाँ, इस बारे में तो बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये फिल्म मैंने कश्मीर के रियल लोकेशन पर शूट किया है, और शायद आपको ये बताने में मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैंने बिना किसी सुरक्षा के वहाँ पर 50 लोगों के क्रू को लेकर के इस फिल्म को शूट किया, और वो सारे एरियाज हमने कवर किए जो आतंकवाद से प्रभावित थे, चाहे अनंतनाग, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और श्रीनगर। मतलब मुझे, मेरी फिल्म के लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो हमने और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, और ये कह सकते हैं कि बहुत सारे खतरों को उठा करके हम लोगों ने इस फिल्म को वहाँ पर शूट किया है। उसके साथ साथ बनारस में फिल्म शूट हुई है हमारी 30%, और लखनऊ और उसके आसपास, मतलब 6 से 7 शेड्यूल में हमारी फिल्म कम्प्लीट हुई। पंडित सिन्हा जी, जो शख्स मौजूद है उनसे पूछना चाहूँगा, आपका इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म का, आप क्यों हिस्सा बने, क्या वजह रही? सर, मेरा हिस्सा और मौजूदगी यह है कि श्रीनगर जो सर फिल्म बना रहे हैं, हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कैसा वर्ताव हुआ था उस टाइम। वो करणी सेना हिंदूवादी है, वो हिंदुस्तान के हर शख्स के साथ करणी सेना खड़ी रहती है। तो हमारा ये था कि जब उन कश्मीरी पंडितों के साथ वो जिंदगी, वो अत्याचार हुआ था, अगर वो चीज़ दिखाने के लिए अगर सर अच्छा काम कर रहे हैं, वो आज हमारे यूथ को पता चलता है कि श्रीनगर की फिल्म के माध्यम से कि हमारे उन कश्मीरी पंडितों भाइयों की, उन बहन बेटियों की, महिलाओं के साथ वो अत्याचार हुआ, उस फिल्म के माध्यम से पता चला, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो हम अक्सर उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो हमारे साथ गलत दिखाते हैं, कि जैसे आपने पद्मावत फिल्म में देखा ही था, उससे बेहतरीन तरीके से इन्होंने फिल्म बनाई है श्रीनगर। उसका ट्रेलर आप लोगों ने सबने देखा ही है, कितना शानदार ट्रेलर दिया, जो दर्द, जो पीड़ा ट्रेलर में देखने को मिल रही है, कैसा हुआ उन कश्मीरी पंडितों के साथ। तो बिल्कुल मैं फिल्म का हिस्सा हूँ, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि सर ने मुझे एक मौका दिया है। मेरे हिंदुस्तान के उन तमाम जो हिंदूवादी लोग हैं, वो कश्मीरी जो भाइयों की पीड़ा समझने के लिए, हमें यकीनन हो रहा है कि वाकई में उनके साथ ऐसा हुआ था, उनका दर्द, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो, मेरे जितने भी करणी सैनिक है, हम तो सब साथ में, करणी सेना के साथ साथ जितने भी हिंदूवादी हैं लोग, तो कश्मीरी पंडित उनके साथ अत्याचार हुए, उनके साथ के लिए फिल्म जरूर देखनी चाहिए हमें। मैं डायरेक्टर से मालूम करना चाहूँगा, शिकारा हम देख चुके हैं, जी, 1970 राकेश सावंत के भाई ने डायरेक्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। आप ये बिल्कुल अलग मौजू, आप जहाँ आप ये कह रहे हैं उन हिंदुओं को हम छूने वाले हैं जी, जिन्हें लोग दिखाने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस बात का डर है क्योंकि करणी सेना तो आपके साथ है, आपको इस खिलाफत तो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी आवाम हमारे साथ खिलाफत करने के लिए तैयार रहते हैं जी जी, और फिल्म मेकर हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, और आपका तो पहले घर भी जला दिया गया है जहाँ तक मुझे पता है, दूसरी कुर्बानी के लिए तैयार है। दरअसल क्या है, हम लोग जो है ना
जिस फील्ड में मैं आया हूँ, मैंने अपना घर बार छोड़ करके हमने इस फील्ड को इसलिए चुना कि अभिव्यक्ति का साधन है मेरे लिए, और यहाँ पर आने के बाद भी अगर मैं सच न बोल पाऊँ तो ये मैंने जो 25 साल इंडस्ट्री में दिए हैं वो फिर किसी काम के नहीं बचते हैं। तो जैसे आपने बोला कि अभी शिकारा के बारे में या आर्टिकल 370 के बारे में, तो इन दोनों फिल्मों के पहले शो जाकर के मैंने खुद देखे, क्योंकि मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चीज़ें तो नहीं कहीं या मुझसे रिलेटेड कुछ चीज़ें ऑलरेडी अगर बाज़ार में आ जाएंगी या लोगों के सामने आ जाएंगी तो मैं क्या दिखाऊंगा। लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूं और बहुत खुश हूं कि हमारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मतलब हम किसी दबाव में ना आकर या किसी विरोध में ना फंस कर, तो इसमें विरोध जैसी वाली भी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अगर हम सच बोलना चाह रहे हैं इसका विरोध कैसा। अगर मैं सच बताना चाह रहा हूँ कि भाई 90s में क्या हुआ और क्यों हुआ, उनकी क्या गलतियाँ थीं या उनका दोष क्या था, तो ये कहना अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो इसमें किसी का विरोध क्या हो सकता है। अगर फिर भी लोग विरोध करते हैं तो ये उनकी कट्टरवादी मानसिकता ही सिर्फ होगी, उसको इंसानियत नहीं कहा जा सकता है। शिकारा को लेकर ना लोगों ने बहुत एतराज किया, विनोद चोपड़ा इतने बड़े डायरेक्टर जी, इंडस्ट्री का लीजेंड माने जाते हैं। हाँ जी, हाँ। लोगों ने कि उन्हें पसंद नहीं आई शिकारा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो लोग बाहरी देशों से पैसा मंगा मंगा कर फिल्में बनाते हैं वो शिकारा बनाते हैं, और जो चंदा लेकर के फिल्में बनाते हैं हम जैसे लोग, छोटे छोटे लोगों को इन्वेस्टर्स को जोड़कर, वो श्रीनगर बनाते हैं, और मुझे गर्व है अपने श्रीनगर पर। बाकी मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और कश्मीरी लोगों के साथ उन्होंने किस तरह से इमोशंस के साथ क्यों खेला, या इतनी बड़ी जो त्रासदी थी उसको इतने हल्के में क्यों ले लिया उन्होंने, ये उनका अपना मौजू है। लेकिन मेरा जो है वो मैंने इस फिल्म को कोशिश की है, जो दर्द है वहाँ का वो इतना पीड़ादायक है, अगर आप उसको बहुत करीब से महसूस करेंगे जाकर तो आपको खुद महसूस होगा, और कोई भी फिल्मकार उस दर्द को 1% से ज़्यादा नहीं दिखा सकता। मैंने जो कोशिश की है वो 1% ही हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर दफन होकर रह गई हमेशा के लिए, जो निर्दोष लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था, उनके तकलीफ को हम फिल्म के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन हमें उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, यही मेरा मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद कश्मीर से बिलोंग करते हैं 1987 के बाद, उनकी माता जी खुद अपने घर में लौट पाए। जी हाँ, मुझे इस बात का बड़ा जी, जब विधू जी ने ये बात बोली थी मीडिया में कि यह फिल्म मैंने अपनी माता जी को डेडिकेट की है, तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि फिल्म जो भी है या माध्यम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसमें माँ का जुड़ जाना, कहने का मतलब है कि आप पूरी तरह से सच बोलेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से फिल्म को जो प्रेजेंट्स किया है, या एक लव स्टोरी के साथ साथ एक हल्का सा जो तड़का दिया है उस तरह के माहौल का, वो उस बहुत बड़े जो मुद्दे है ना उसको सिर्फ कैश कराने वाली जैसी बात होती और कुछ भी नहीं। ये आपसे कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फिल्म में। जी लोग, सर ने जब इस फिल्म के बारे में बताया कि मुझे कश्मीरी पंडितों के बेस पे फिल्म बनानी है, तो फिल्म का नाम पहले कुछ और रखा गया था, लेकिन नाम चेंज कर दिया, फिर श्रीनगर किया। तो उस दौरान कास्टिंग के दौरान काफ़ी मेहनत कराई और मैंने की किया, और एक नए लड़के का विक्की विकास करके उसका डेब्यू हो रहा है इस फिल्म से, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभा रहा है, और ये श्रावणी जी जिसमें मेन भूमिका प्ले कर रही हैं, और ये दिव्यांशी हैं, सरोज मिश्रा जी डायरेक्टर हैं, करनी सेना के प्रेसिडेंट सुरजीत जी बैठे हुए हैं, और दीपक जी प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे आज 23 फरवरी 2020, आज ये मेरी कास्टिंग एजेंसी का पहला दिन है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये टीम के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। और मेरी जर्नी यही है कि मैंने जो पहले जितनी फिल्में की मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब जो रिलीज होने वाली हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसी में खुशी है जो अब मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। सर की फिल्म श्रीनगर, इसके मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने सच दिखाया फिल्म में, बाकी जो आप शिकारा जिसकी बात कर रहे हो मैंने वो देखी भी नहीं है, और इन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बिना किसी डर के निडर होकर, क्योंकि ये जो सनोज मिश्रा जी है ना, ये मैं इनको सन्यासी मानता हूँ, डायरेक्टर जो है सन्यासी जोन के हैं, जिधर झोला लेकर चल पड़े, जो करना है करना, ठान लिया जो करना है करना है, अदरवाइज और डायरेक्टर कमर्शियल या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई लेने के लिए करते हैं, ये रियल में इन्होंने दिल से इमोशंस को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई है। दूसरी फिल्म जो है वो मेरी, सॉरी, क्योंकि मैं कास्टिंग एजेंसी मैंने ओपन की है तो मैं चाहूँगा अपने 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में मैं बोल दूँ। बिल्कुल, सॉरी आई एम लेट उसके डायरेक्टर हैं जयवीर पांगाल जी, कंपनी है मेट्स कंपनी एंटरटेनमेंट, और वो फिल्म मेरे जो है दिल के करियर के बहुत करीब है, और मेरे करियर की अब तक की बड़ी फिल्म है, और जो श्रीनगर है वो भी बहुत अच्छी फिल्म है,
तो ये दो फिल्म मेरे अकाउंट में है अभी, बाकी के फिल्मों के मैं नाम गिना नहीं चाहूँगा। आप दोनों से आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, और एक इस तरह की सेंसिटिव फिल्म का हिस्सा बनना जहाँ आपको पता है आप खुद भी देखते या पढ़ते होंगे उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, क्या तैयारी थी और क्या क्या आपके किरदारों का ब्रीफ था, और मुस्लिम कौन प्ले कर रहा था? हाँ जी, इसमें जो मेरा किरदार है वो शायरा का है और वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है। तो जब ये देश के हालात अभी ऐसे हो गए, लेकिन हमारी फिल्मिंग आज से 2-3 साल पहले ही शुरू हुई थी, तो उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था कि जिस वक्त हम रिलीज़ करने वाले होंगे उस समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, जब मुझे बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, जब मैं सर से मिली थी, तब मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ दिया गया था और उसी को मुझे इनैक्ट करके बताना था, तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे एक आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, जो आना चाहता है, उसको हमेशा ये भूख होती है कि उसको ऐसा किरदार मिले जहाँ पे वो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल साबित कर सके, चैलेंजिंग रोल्स जिसमें उसको अभिव्यक्त करने का मौका मिले। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द मूवी, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसी के बेसिस पे पूरी मूवी ड्राइव होती है। तो मुझे, आई एम रियली थैंकफुल टू दीपक सर, सनोद सर एंड एवरीबडी जिन्होंने मुझे चूज़ किया इसकी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। और ये सच में बहुत सेंसिटिव है, ये फिल्म बहुत ही सीरियस है और बहुत सेंसिटिव है, तो आई डोंट नो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कौन किसका मुद्दा बनाएगा, कौन नेगेटिव बोलेगा, कौन पॉजिटिव बोलेगा, बट ये किसी भी रिलीजन को लेकर बायस नहीं है, ये किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं, इट इज़ जस्ट फैक्ट्स, जो हुआ वही दिखा रहे हैं और उसके बाद एक स्टोरी है जो हिंदू मुस्लिम या इस पे डिपेंडेंट है, बट इट इज़ नॉट कि किसी चीज़ को किसी को बैड लाइट में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई और ये इस फिल्म में मेरा जो किरदार है उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए बहुत, उसका जो कैरेक्टर का ग्राफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत सारे इमोशन से गुजरता है। सो या जो मेरा कैरेक्टर है, एक्चुअली जब भी हम कोई मूवी देख रहे हैं इससे रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या इस इशू से रिलेटेड, तब हम इतना डीपली नहीं जा पा रहे हैं। और जो कैरेक्टर मैंने प्ले करा है वो एक कश्मीरी लड़की का है, एक कश्मीरी वुमेन का है, जो शायद हमने सुनी भी नहीं है वो कहानियाँ, जब हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं इतना डीपली, शायद वो जाने से भी डरते हैं कि जो एक वहाँ की फीमेल्स ने, जो उनके बच्चे भी होते हैं, फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती हैं, एंड देन ये सब इश्यूज चल रहे हैं, तो कितना स्ट्रांगली उन लोगों ने उन चीज़ों को फेस करा है, कितनी सारी एक साथ चीज़ें उनके ऊपर आई हैं, तब वो लोग स्टैंड हुई हैं, तब उन लोगों ने जो भी उनकी सिचुएशंस रही हैं उसको फेस करा है। तो जो भी मेरा कैरेक्टर है, इट्स अ वेरी, एक असलियत में क्या हुआ है वहाँ फीमेल्स के साथ, वो दिखाने की हमने कोशिश करी है, पूरा जस्टिफाई कर रहा है वो पूरे फैक्ट, जैसे उन्होंने बोला बायस नहीं है, क्योंकि हम बायस्ड, हम फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम सब दुनिया के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं कि ये सब हुआ। हम सर का बहुत, सब लोगों ने, जिन लोगों ने इसका स्टोरी की नींव रखी है या फिर इसको आगे लाना चाहा है, सच में हैट्स ऑफ, क्योंकि आजकल सब लोग डरते हैं इन चीज़ों को बाहर लाने के लिए कि कहीं दंगे ना हो जाए, ये ना हो जाए, हम लोग पे ही बात आएगी, बट जिस सच्चाई से इन लोगों ने इस चीज़ को रखा है, कैरेक्टर्स को बिल्ड करा है, मेरा कैरेक्टर जब मैंने पढ़ा, ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं है बट बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है और बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, मतलब लोग जब देखेंगे तो समझेंगे अच्छा ये सब भी हुआ है औरतों के साथ, तब वो सोचेंगे हम लोग के साथ भी हो सकता था ये, तो हम लोग को वो चीज़ सोचने में मजबूर करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, सर को थैंक यू सो मच, दीपक सर, सर मैं अभी तक, मैं जब सोचती हूँ इस मूवी के बारे में और तो लगता है कि बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी चीज़ों को बाहर रखने के लिए और उस सच्चाई को बाहर लाने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है आजकल इंडस्ट्री में कि हम सच्चाई को लाएं, क्योंकि ये मीडियम हम लोगों को यही दिखाने के लिए ला रहे हैं कि ये सब भी हो रहा है, आप लोग नहीं जानते हैं। नहीं, डिस्क्लेमर तो होगा, डिस्क्लेमर के बगैर तो नहीं होगा, डिस्क्लेमर तो होना ही है, इसलिए होगा क्योंकि फैक्ट्स पे जो हम लोग ने काम किया है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें फ्यूजन्स की भी जरूरत पड़ती है, तो हम कुछ कल्पनाओं का सहारा लेकर के एक फिल्म को, चूंकि मनोरंजक फिल्म है, ये कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं है, आप इसमें फैक्ट्स जरूर हैं लेकिन इसमें आपको एक फिल्म का पूरा मज़ा भी आएगा, एक आप फिल्म अगर 200-500 रुपए खर्च करके आएंगे देखने तो आपको पैसे भी वसूल होने चाहिए, वो चीज़ें भी हमारी फिल्म में। आखिरी सवाल आप लोगों से, मैं चाहूँगा फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक जी, हाँ डायरेक्टर जवाब दें। जी जी, दीपक जी जवाब दें, हमारे प्रोड्यूसर। 3 साल पहले जब स्टोरी ये सुनी थी तो वो स्टोरी सुन के ही आंखों में आंसू आ गए थे,
उस टाइम पे वो चीज़ें इतनी, बिकॉज आज की डेट में 90s में क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ में, वो भुला दिया गया, नहीं पता है लोगों को. क्यों नहीं पता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास ये मोबाइल है आज की डेट में, उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे. हम वीडियो नहीं बना सकते थे, हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था जैसे आज की डेट में. आज की डेट में सॉरी टू से बट इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, तैमूर की चड्डी किस कलर की है वो पता होगा सबको, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था वो हर एक मीडिया हर एक न्यूज चैनल पे आएगा, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं पता होगा. तो एक जस्ट ये है कि हमारा कोई किसी धर्म को लेके हम अंग्रेज में नहीं जा रहे हैं उसके, जस्ट एक फैक्ट हुआ क्या था वो आज की जनरेशन को देखना चाहिए, उस चीज को सामने लाना चाहिए. एक यही एक मोटिव है. कब तक रिलीज कर रहे हैं ये? हमारा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक. अभी डेट फाइनलाइज नहीं है. फारूक अब्दुल्ला का किरदार कौन कर रहा है? उनके पिताजी का, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी का. फारूक अब्दुल्ला के पिताजी का किरदार था इसमें? हाँ जी, हाँ जी था. वो वसीम रिजवी जी प्ले कर रहे हैं इसमें. जी बताइए ना उनके किरदार के बारे में थोड़ा. उस समय का जो 90s में जो भी माहौल था और उसमें जितने भी इफेक्टिव लोग थे, जो उस समय की पॉलिटिक्स और वहाँ के सोशल चीज़ों को रन कर रहे थे साथ में, उन सबको फिल्म में रखा गया है. लेकिन उसमें किसी ऐसे किसी मशहूर किरदार को हमने नहीं रखा है जैसे कोई बॉलीवुड की बहुत नामचीन हस्ती या ऐसे. वो हमारे साथ थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं और दिल्ली थिएटर खासतौर पर वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, और बहुत सारे कलाकार हमारे लखनऊ से भी हैं, और बाकी के 80-90% हमारे मुंबई के आर्टिस्ट हैं उसमें. और इसमें आरएसएस का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? उसके इस तरीके के जो भी फिल्में बन रही है उसमें आरएसएस नहीं, इन्वॉल्वमेंट इसमें किसी तरह का नहीं. लोगों की ब्लेसिंग है मेरे साथ, वो चाहे आरएसएस की हो, बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी मुझे ब्लेसिंग मिली हुई है, वो लोग भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये तो सपोर्ट की बात है, कोई भी आ सकता है. लेकिन ये कोई मेरे लिए पॉलिटिक्स की जगह नहीं है, ये सिनेमा बनाने की जगह है और मैंने सिर्फ फिल्म बनाई है. श्रावणी से जानना चाहेंगे, श्रावणी बैक टू बैक फिल्में रिलीज हो रही है आपकी, इसके पहले 28 को रिलीज हो रही है एक फिल्म, उसके बाद ये श्रीनगर रिलीज हो रही है, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि सब बैक टू बैक हो रहा है. एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये मूवी पहले बन रही है तो ये आएंगी, लेकिन बहुत टाइम लगा मूवी को. और ऐसा नहीं है कि ये फिल्म उस समय आनी चाहिए थी या अभी आ रही है. अच्छा ही अगर इस फिल्म को ज़्यादा टाइम मिला ज़्यादा समझने का. अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुए उनकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म में और ऐड करने की भी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड कि 2020 का शुरुआत मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है. ट्रेलर का तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा. 28 को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू कि फिल्म का कैसा रिस्पांस है. और इस फिल्म पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये कुछ तो अच्छा वाइब्स क्रिएट करेगी लोगों के बीच में. एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग आएँ और हमें लव और सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.